Kak Lu. आप सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में परम आदरणीय SDM यमुना विहार श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, ये हमारा क्राइम कंट्रोल सेशन जन सुधारक टाइम्स आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। दिल्ली मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री वेद प्रकाश शर्मा जी का आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और दिल्ली मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, जन सुधारक टाइम्स के चीफ रिपोर्टर एंड क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव श्री विनोद जोशी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और साथियों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम श्री विनोद जोशी से निवेदन करते हैं कि माला अर्पित कर हमारे श्री देवेंद्र कुमार जी की अभिनंदन करें। श्री वेद प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो भी स्वागत करें हमारे सरकार। आज इस राष्ट्रीय पर्व पे जहां दिनकर जी ने कहा था, देश आजादी पे जहां दिनकर जी ने कहा था कि नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको और स्वतंत्र कहे संसार, और स्वतंत्र कहे संसार। इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे SDM साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि पहाड़ की ऊंचाई से सागर की गहराई से, पहाड़ की ऊंचाई से सागर की गहराई से ले रही मौसम की अंगड़ाई से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका साथियों, 71 वर्ष पूरा कर 72वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरा विश्व, हम देश की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि विश्व में कोने कोने पर भारतीय और भारतीय के दिलों में हमारा देश बसा हुआ, हम उनकी बात कर रहे हैं। हर कोई हर्षोल्लास के साथ इस पावन पर्व को मना रहा है। साथियों, ये ऐसा हमारे लिए उपलक्ष्य है, ऐसा पावन पर्व है जिसको आसानी से नहीं पाए। एक पौधा जो होता है, वृक्ष का जो वृक्ष बनता है, उससे पहले वो पौधा होता है। उस पौधे को जिस प्रकार सींचने के लिए, बड़ा करने के लिए खाद्य पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस देश को बढ़ाने के लिए आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसी कल्पनाशीलता में जो है हमें लाने के लिए परिश्रम ही नहीं, खूनों की आहुति तक दी गई, बलिदान दिया गया। कहा गया है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो हम सोचते नहीं है कि पौधा हमें फल देगा, हम भविष्य के लिए लगाते हैं कि आने वाला भविष्य जो है हमारा सुनहरा होगा। और वही आजादी का सपना जब देखा हमारे बलिदानों ने, हमारे शहीदों ने, वीर बांकुरों ने, जिसकी किरण दिखाई दी 1857 में, 1857 में, ये दोनों में
इसकी आशा दिखाई दी। लगा कि हाँ ब्रिटिश जंजीरों से हम मुक्ति पा रहे हैं। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए एक ने दिल्ली चलो कहा तो एक ने कहा अंग्रेजों का हाथ छोड़, कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय चाहे 16 वर्ष का कोई युवा खुदीराम बोस क्यों ना हो, अस्फाकुल्ला खान क्यों ना हो, चंद्रशेखर आजाद क्यों ना हो, भगत सिंह क्यों ना हो, सबके दिलों में एक ही गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग। साथियों, क्योंकि इस पावन पर्व को मनाने में हम आत्मा से दिल से सिर्फ ये तारीख पर टिके रहे, हमारा कर्तव्य है इस देश के प्रति, सम्मान के प्रति, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता को जाहिर करें कि हाँ उन्होंने जो है हमें ऐसा सुअवसर दिया कि हम आज इस मंच से क्या लाल किले की प्राचीर से भी कोई गर्जा है, आज वहां से भी कोई ना कोई गरज रहा है, और उसी लाल किले की प्राचीर से भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट आज हमें प्राप्त हुई है। जो देश बैसाखी पे था, हम सोने की चिड़िया कहते थे, अंग्रेजी हुकूमत जाते जाते उसको बैसाखी पलटा, और आज ये पूरा भारतवर्ष मिलकर किसी जाति किसी धर्म की नहीं, विविध संस्कृति विविध संप्रदाय को एक साथ लेकर आज जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो उसका परिचायक है कि कितने मजबूती से हम समृद्धि की ओर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आज के हमारे मुख्य अतिथि SDM यमुना विहार श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को मंच का मत कर रहा हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री उपाध्याय सर, एक बार जोड़ना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम यहाँ पर अष्टमी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारा पर्व